जिला बिलासपुर के 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की बैठक घुमारवीं के अस्पताल में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णुराम शर्मा ने की। बैठक में कर्मचारियों को आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के ऊपर गहन मंथन किया गया। बैठक में कर्मचारियों ने बताया कि कोविड के दौरान कर्मचारियों को आइसोलेट करने की किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, तथा कई जगहों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कमरा तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। कर्मचारियों के साथ किया जा रहा ये सौतेला व्यवहार से कर्मचारी आहत हैं। जिस जगहों पर कर्मचारियों को कमरा उपलब्ध है, तो वहाँ के शौचालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। एम्बुलेंस के सभी कर्मचारी पिछले 6 महीने से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, तथा किसी को भी आज तक आइसोलेट नहीं किया गया है और न ही किसी भी कर्मचारी का टेस्ट किया गया है। कर्मचारी पिछले 6 महीनों से जान पर खेलकर सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री व निदेशक से आग्रह किया है कि उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर माना जाए और निवारण भी कर दिया जाए। इस मौके पर काफी संख्या में कर्मचारी बैठक में मौजूद रहे। 6 महीने से लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं और इनमें कर्मचारियों को बहुत सी समस्या आ रही है, जैसे कर्मचारी कोरोना का केस करके आ रहे हैं, तो एक तो इन्हें आइसोलेशन, जैसे सरकारी कर्मचारियों को आइसोलेशन किया जा रहा है, उसी तरह इन्हें उस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। उसके बाद ड्यूटी रूम की भी कई स्थानों पर अभाव है, और इसी तरह से जो भी समस्याएं थी उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई और एक पत्र के माध्यम से आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार को अवगत करवाया जा रहा है।